हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल द पावर ऑफ ई लर्निंग आज मैं एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँ और आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ख़ासकर जो मेरे ज्वेलरी कैटेगरी वाले हैं सेलर्स उनके लिए क्योंकि हमें हमेशा एक चीज़ पे नहीं टिके रहना चाहिए हमें अपने अपने काम को बढ़ाने के लिए एक या दो जगह तीन जगह नई चीज़ें करनी चाहिए ताकि हमारा बिज़नेस और हमारा प्रॉफिट बढ़े ठीक है तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ठीक है ताकि आपको अपना बिजनेस बढ़ाने की हेल्प मिले जो ज्वेलरी कैटेगरी में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे सेल करते हैं तो वीडियो को पूरा देखना वीडियो को स्किप मत करना और ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना कि जो मैं कह रहा हूँ और अगर हो सके तो उसके अप्लाई करना ताकि आपका बिजनेस जो है और ग्रो करे। आजकल क्या है कि अमेज़ोन फ्लिपकार्ट मीशो पे जो मार्केट है ना बहुत डाउन हो गई है ऑनलाइन तो छोड़िए ऑफलाइन मार्केट भी बहुत डाउन हो चुकी है लोग वही चीज़ परचेस कर रहे हैं जिस चीज़ की उनको नीड है पहले क्या होता था जैसे गर्ल्स थी ज्वेलरी कैटेगरी में जो गर्ल्स थी या वुमन्स थी वो उनको जो चीज़ ऑनलाइन ई कॉमर्स साइट पर पसंद आती थी वो मंगा लेते चाहे उनको उसकी नीड थी चाहे नहीं थी बट आजकल जो है ऐसा हो गया है कि अब वो वो, वो जो पर्सनस हैं जो बायर हैं वो वही चीज़ परचेस कर रहे हैं जिसकी उनको नीड है वो फालतू की चीज़ें परचेज़ नहीं कर रहे क्योंकि इस टाइम इकोनॉमी इतनी डाउन हो चुकी है लोगों के पास पैसा नहीं है और लोग जो है बहुत संभल के परचेजिंग कर रहे हैं इस टाइम पे इससे क्या हो रहा है जो सेलर्स हैं उनको काफ़ी नुकसान हो रहा है जो उनके मान लीजिए कोई बहुत बड़ा सेलर है उसके पचास साठ सौ ऑर्डर पर डे के आते थे अगर उसके सौ ऑर्डर आते तो उसको पचास ही आ रहे हैं और जो उससे नीचे जैसे मान लीजिए किसी उसको पचास आते थे तो उसको पच्चीस ही आ रहे हैं अब मान लीजिए कोई नया सेलर है जिसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ करते करते उसके दस पंद्रह ऑर्डर अगर होते थे तो उसको तो उसके भी आधे रह जाएंगे गिनते के तीन चार पाँच ऑर्डर तो उससे प्रॉफिट कैसे होगा उससे सेलिंग कैसे होगी उससे हर चीज़ मैनेज कैसे होगी तो उसी का सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में कि आपको अब जो है इस सिचुएशन पे ज्वेलरी कैटेगरी के साथ साथ उसको छोड़ के नहीं वो तो आपका मेन है ज्वेलरी कैटेगरी के साथ साथ आप एक और दो कैटेगरीज़ में जो है और सेलिंग करिए जिसमें आपका जो है आ, इन्वेस्ट कम हो और आपको प्रॉफिट उसमें अच्छा हो ठीक है जिसे जैसे कहते हैं आपकी लागत कम हो लेकिन आपको उससे मुनाफा जो है अच्छा खासा हो जाए वो वैसी में एक और दो कैटेगरी में आपको बताऊंगा जिसमें आप स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं ठीक है और प्रॉफिटेबल है कैटेगरी और आप आराम से कर सकते हैं आपको ना तो उसकी इमेज का इशू रहेगा ना उसके आप किसी किसी चीज़ का इशू रहेगा पहली कैटेगरी तो है आपको है सुन के थोड़ा वो लगे कैंडल्स का अब आप सोचें कैंडल्स कैसे सेल करें इतने लोग सेल कर रहे हैं ठीक है और उसमें कैसे प्रॉफिट होगा तो मैं वही आपको बता रहा हूँ देखिए कैंडल्स जो हैं वो एक प्रॉफिटेबल जो है प्रोडक्ट है ई कॉमर्स साइट पे वो इसलिए क्योंकि आजकल जो है डिज़ाइनर कैंडल्स का काफ़ी ट्रेंड चल चुका है थोड़ा टाइम पहले चला था बीच में कम हो गया था लेकिन अब धीरे धीरे वो फिर अपने जो है रनिंग पे आ रहा है ठीक है तो जो डिज़ाइनर कैंडल्स हैं इनका काफ़ी ट्रेंड चला हुआ और लोग इनको काफ़ी बाय कर रहे हैं लेकिन आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आएगा कि वो तो सीज़न के हिसाब से होता है कोई जैसे दिवाली आई या वैसे कुछ आया तो उस टाइम पे वो जो है सेलिंग जो डिजाइनर कैंडल्स की के होती है वो होती होगी वो तो एक आधे महीने दो महीने का काम है फिर इसमें प्रॉफिट कैसे तो देखिए वो आप सोच रहे हैं एक फेस्टिवल के हिसाब से आप बिज़नेस के हिसाब से नहीं सोच रहे अगर आप बिज़नेस के हिसाब से सोचें तो आप अगर रिसर्च करेंगे तो साउथ में काफ़ी फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं जहाँ पर कैंडल्स का यूज होता है क्योंकि वहाँ पर क्रिश्चन्स भी काफ़ी रहते हैं ठीक है और सादियों के सीज़न में जो है डिज़ाइनर कैंडल्स का काफ़ी यूज़ होता है डेकोरेशंस में जो है डिज़ाइनर कैंडल्स का काफ़ी यूज़ होता है ठीक है और जो है आ जो लोग कई लोग पर्सनली यूज़ के लिए भी डिज़ाइनर कैंडल्स मंगा लेते हैं ठीक है तो ये जो है प्रॉफिटेबल कैटेगरी है और इसमें ऐसा नहीं है कि हाँ बीच का एक आधा महीना ऐसा आता होगा जिसमें काफ़ी डाउन जाती होगी मार्केट क्योंकि उस टाइम पर सबकी जाती है उस टाइम पे सब सारी कैटेगरी मोस्टली सारी कैटेगरीज़ की जाती हैं ठीक है तो उसमें ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है लेकिन ये चलता रहता है देखिए जैसे जैन नवंबर दिसंबर जैन फेब और मार्च तक तो आपके शादियों का सीजन रहता है जिसमें जो है डिज़ाइनर कैंडल्स अच्छी खासी सेल हो सकती हैं और करते भी हैं लोग जो जो कैंडल्स में डील करते हैं जो कैंडल कैटेगरी में सेलिंग करते हैं वो अच्छी खासी सेलिंग करते भी हैं ठीक है मैं खुद उसमें कैंडल्स में खुद भी सेल करता हूँ मैं ठीक है और अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है उसमें और चार महीने तो ये हो गए पाँच महीने ठीक है और इसके साथ अब बीच का एक दो महीना निकाल दीजिए तो उसके बीच में साउथ में भी कई जो फेस्टिवल्स आते हैं आपके ठीक है वहाँ क्रिश्चियंस भी काफ़ी हैं ठीक है और क्रिश्चियंस का क्या मोस्टली फेस्टिवल्स होते तो कैंडल्स का मोह ज़्यादा यूज़ करते हैं अब दिसंबर का ले लीजिए दिसंबर में क्या होता है कि क्रिसमस आता है उस टाइम पे काफ़ी सेलिंग्स होती हैं दिसंबर से पहले दिवाली आती है उस टाइम पे डिज़ाइनर कैंडल्स जो है काफ़ी सेलिंग होती है बल्कि अक्टूबर और सेप्टेम्बर से सेलिंग शुरू हो जाती है अच्छी खासी ठीक है ऐसे करते करते आपका मार्च तक निकलेगा बीच का एक दो महीना जाएगा जुलाई से फिर वो एक ट्रेंड फिर से शुरू होने लग जाता है ठीक है ये एक दो महीने का गैप मुश्किल से होता है नहीं तो जो कैंडल्स हैं वो अच्छी खासी सेलिंग चलती रहती है डिज़ाइनर कैंडल अगर आप सोचें जो नॉर्मल मार्केट में बिक बिकती हैं जो नॉर्मल ऑफलाइन जो है मार्केट में सेल होती है आप वो ला के सेल करें तो उससे नहीं होगा आपको डिज़ाइनर कैंडल्स लेनी पड़ेंगी और एक चीज़ मैं और बता दूँ कि ये ज़्यादा महंगा जो है प्रोडक्ट नहीं है ये बहुत सस्ता प्रोडक्ट है और इसमें आपको जो है अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है मान लीजिए एक छ पैकेट आ छः कैंडल्स का पैकेट आता है और उसकी मैं आपको नॉर्मल नॉर्मल बता दूं तो वो मेरे को अगर मैं जब परचेज करता था ट्वेंटी एट का मेरे को पड़ता था वो ठीक है छोटे छुड़ छोटे डिजाइनर कैंडल्स होती थी वो आ, टी लाइट कैंडल्स शायद उसको नहीं टी लाइट नहीं वो कुछ फ्लावर टाइप कैंडल्स होती थी जो एक सेट में छः आती थी तो मेरे को ट्वेंटी एट या थर्टी के अराउंड वो पड़ता था होल सेल रेट में लेकिन मैं उसको सेल करता था वन ट्वेंटी वन थर्टी वन फिफ्टी ठीक है जैसे जैसे सेलिंग मेरी बढ़ती थी मैं थोड़ थोड़े थोड़े पाँच पाँच दो दो रुपये बढ़ा देता था रेट में ठीक है बट एकदम से नहीं बढ़ाता था कुछ कुछ देर बाद कुछ कुछ टाइम बाद बढ़ाता था जैसे मेरे ऑर्डर ग्रो होते थे ठीक है तो ऐसे ही आप देख लीजिए अगर उसमें मार्जिन भी कटता है तो अगर आपको अट्ठाईस रुपये तीस रुपये का प्रोडक्ट पड़ा है तो अगर अगर उसमें आपको जो है अस्सी रुपये नब्बे रुपये मिल रहे हैं एक प्रोडक्ट पे तो वो कोई बुरा नहीं है आपका मतलब लगा लीजिए हंड्रेड परसेंट से भी ज़्यादा का प्रॉफिट आपको मिल रहा है और मैं तो कहता हूँ अगर तीस का लगा के अगर आपको साठ रुपये भी आ रहे हैं तो भी आपका हंड्रेड परसेंट का जो प्रॉफिट उसमें है तो कोई बुरी वो चीज़ नहीं और आपके अगर कंटिन्यू ऑर्डर आते रहते हैं तो आपके लिए वो एक अच्छा प्रॉफिटेबल जो है मार्केट है अगर आपका बजट है तो आप थोड़े अच्छे कैट के, अच्छे कैंडल्स ला के जिनका प्राइजिंग आप हाई रख सकें थोड़ा सा ज़्यादा नहीं थोड़ा सा हाई रखें दो सौ ढाई सौ तीन सौ तक रख सकें ठीक है तो वो भी आप ला के सेल कर सकते हो तो उससे आपका प्रॉफिट जो और बढ़ जाएगा ठीक है सौ रुपये की अगर आपको पड़ रही है आप ढाई सौ में सेल करिए उसको तीन सौ में सेल करिए टू एट्टी में टू नाइन्टी में ऐसे सेल करिए तो आपको जो अच्छा खासा प्रॉफ़िट उसमें मिल जाएगा और अगर आ, आप ये सोचेंगे कि अब इसमें कम से कम कितना मतलब आप जो हैं इन्वेस्ट करें ताकि आप कैंडल्स जो कैटेगरी में सेल कर सकें ठीक है तो इसके लिए ज़्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है मैंने जब स्टार्ट करा था मैं ज़्यादा ज़्यादा दो या ढाई हजार की जो है कैंडल्स लाया था बट मैं कैंडल्स लाया था वैसी जो डिज़ाइनर थी जो नॉर्मल जो है ऑफलाइन मार्केट में नहीं मिलती ठीक है जो बायर को अगर नीड है तो वो जो है ऑनलाइन ही परचेज करेगा उसको मैं वो कैंडल्स लाया था और ऑनलाइन में भी वो जो मोस्टली सबके पास नहीं है एकदम हटके उसके लिए आपको थोड़ा घूमना पड़ेगा मार्केट में लेकिन थोड़ा सा हटके बिल्कुल अलग मतलब सिमिलर तो होती हैं लेकिन थोड़ा सा उनमें फ़र्क होता है डिज़ाइन में हल्का सा फ़र्क होगा कलर्स में फर्क फर्क होगा उसमें जो आपकी जो मोम होती है कैंडल की वो उसमें काफ़ी क्वालिटी में फ़र्क होते हैं वो भी कई तरीके की आती है ठीक है तो उसका थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर अच्छी क्वालिटी की लेंगे तो उसमें आपको प्रॉफिट भी अच्छा होगा और वो सेलिंग भी अच्छी हो जाती है क्योंकि बाहर जो है क्वालिटी भी देखता है रेट के साथ साथ ठीक है तो ये चीज़ है और 2000 से आप ढाई हज़ार तीन हज़ार से अपनी स्टार्टिंग कर सकते हैं और जो है इसको सेलिंग अपनी स्टार्ट कर सकते हैं अपनी ज्वेलरी कैटेगरी के साथ ताकि मान लीजिए आपको इस टाइम पे ऑर्डर कम हो गए ज्वेलरी कैटेगरी में पांच ऑर्डर आ रहे हैं और मान लीजिए अगर आप ये वाला बिजनेस शुरू करते हो और इसके साथ साथ आपको पाँच ऑर्डर इसके आना शुरू हो गए तो आपका कहीं ना कहीं दस ऑर्डर आ रहे हैं पर डे ठीक है तो आपका प्रॉफिट एक जगह से फिर बढ़ना शुरू हो गया धीरे धीरे और अच्छी कैटेगरी है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें ठीक है और दूसरी कैटेगरी पर अब आते हैं इस कैटेगरी को क्लोज करके दूसरी कैटेगरी है जो आते हैं वूमन्स के इनरवेयर ठीक है वो भी बहुत प्रॉफिटेबल जो है कैटेगरी है और आप कम रेट में शुरू कर सकते हैं उसके पिक्स का भी कोई इशू नहीं होता और हाँ थोड़ी नॉलेज आपको होनी चाहिए क्योंकि बिना नॉलेज के आप कुछ भी सेल नहीं कर सकते ठीक है तो उस ये ये सेकंड जो मैंने आपको कैटेगरी बताई वुमेन और गर्ल्स के जो इनर वेज होते हैं ये काफ़ी डिमांडिंग रहते हैं ऑनलाइन आजकल जो है ऑफलाइन कम ही परचेज़ हो रही है ये चीज़ जो गर्ल्स और वुमेंस है ये ऑनलाइन ही इस चीज़ को परचेज़ कर रहे हैं क्योंकि आराम से घर पे आ जाती है किसी के पास जाने पड़ता है कई लेडीज़ होती हैं वुमेंस होती हैं जो थोड़ा हिचकिचाती हैं जाके बाहर खरीदने में क्योंकि मोस्टली जो शॉप्स पे आदमी या लड़के होते हैं तो थोड़ा कई जो है हिचकिचाती नहीं ले पाती जाके तो उनके लिए ऑफलाइन काफ़ी सॉरी ऑनलाइन जो है काफ़ी मतलब आराम से वो परचेस कर सकती हैं तो ये काफ़ी प्रॉफिटेबल है और इसमें आप इसमें भी आप कम से कम इन्वेस्ट करके जो है अच्छा प्रॉफिट मार्जिन ले सकते हैं क्योंकि कैटेगरी ऐसी है उसकी तो नीड है ही है मान लीजिए एक बार को आप कैंडल का वो करते कि यार किसी को नीड होगी तो बाद में ले बट ये तो लेगा ही लेगा कपड़ा इंसान ने पहनना ही पहनना और जो ये चीज़ है इनर वेरी उसकी नीड है आज के टाइम पे हर किसी की नीड है ठीक है तो इस चीज़ पे आप जरूर ध्यान दें ठीक है और इसका अगर आप इस पर सेलिंग करते हैं तो आपको जो है इसमें अच्छा खासा प्रॉफ़िट हो सकता है ठीक है ये किसी भी होल मार्केट से ब, आ, बल्क में परचेज करिए आपको नॉलेज नहीं है ठीक है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आईडी का आप मेरे से नॉलेज ले सकते हैं क्योंकि मैं इस कैटेगरी में भी सेल करता हूं ठीक है मैं इस कैटेगरी में भी सेल करता हूँ तो आप मेरे से ले सकते हैं बट मेरा मेन फोकस हमेशा से ज्वेलरी पर रहा है मेरा हमेशा से मेन फोकस ज्वेलरी पर आया है क्योंकि मैंने स्टार्टिंग ही ज्वेलरी कैटेगरी से करी थी ये तो अब पेंडेमिक में जो है मेरे को अपना बिजनेस थोड़ा वो करने के लिए मैंने एक दो कैटेगरी में वो करा ठीक है और जो मैंने आपको कैटेगरी बताई इनरवेयर वाली ये काफ़ी प्रॉफिटेबल है अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ मैं ख़रीद के लाता हूँ मान ल मान लीजिए एक अस्सी रुपये की ठीक है वुमेन की जो ब्रा होती है जब कुछ ही बोल लीजिए ठीक है मैं वो खरीद के लाता हूँ और इनरवेयर तो उसमें क्या है एटी रुपीज़ की मेरे को पड़ती है मैं आराम से उसको ढाई सौ तीन सौ साढ़े तीन सौ तक के सेल कर देता हूँ और मेरे को कर करा के अगर उसमें से दो सौ रुपये भी मिल रहे हैं अगर मान लीजिए मैंने तीन सौ रुपये या साढ़े तीन सौ रुपये एम आर पी डाली मेरे को दो सौ रो मिल रहे हैं तो मेरा फिर भी हंड्रेड परसेंट जो है उससे प्रॉफिट है मान लीजिए वन एटी मिल रहे हैं तो भी मेरे को फिफ्टी परसेंट से ऊपर का जो है प्रॉफिट हो रहा है ठीक है और काफ़ी सेल होता है इसमें अगर आप अच्छे से इसकी पिक्स डाल रहे हैं और अच्छे से इस पर ध्यान ला के इसकी लिस्टिंग कर रहे हैं सही से, से लिस्टिंग कर रहे हैं तो आ, इसमें जो है प्रॉफिट होता है सेलिंग भी काफ़ी होती है रिटर्न्स कम होते हैं ये दोनों कैटेगरीज ऐसी हैं जिसमें रिटर्न्स बहुत कम है ठीक है इसमें रिटर्न्स कम है इसीलिए मैंने आपको वो कैटेगरी बताई दो जिसमें रिटर्न्स कम होते हैं क्योंकि अगर मैं आपको कैटेगरी बता दूँ जिसमें ऑर्डर ज़्यादा आ जाए लेकिन उसमें रिटर्न उतने ही आए तो कोई फ़ायदा नहीं है उसको बता के ठीक है क्योंकि आप लगाएंगे वो वापस आएगा फिर आपको उनको शिपिंग चार्जेस देने पड़ेंगे ले जाने के भी रिटर्न के भी वो आपका लॉस ही लॉस होगा क्योंकि अभी वैसे पेंडेमिक में इतना सब कुछ सारा लॉस सबने झेला है ठीक है तो इसमें ये सेकेंड कैटेगरी में आप चाहें तो सेल करिए क्योंकि अच्छी खासी मार्केट है इसकी अच्छी खासी ऑनलाइन सेलिंग है और अच्छा खासा सब कुछ इसका चलता है तीनों प्लेटफॉर्म पर डालिए अमेजोन फ्लिपकार्ट मीशो और आराम सेल करिए इसके लिए कोई आपको ट्रेडमार्क की ज़रूरत नहीं है इसके लिए कोई आपको ब्रांडिंग की ज़रूरत नहीं है इसके लिए कुछ आपको जरूरत नहीं है लेने की ठीक है आप आराम से इसकी सेलिंग कर सकते हैं ऑनलाइन पिक्स लीजिए सेम डिज़ाइन की सेम कलर की मिल जाती हैं अगर आप नई अलग ही डिज़ाइनर जिससे आपने परचेज़ करी उससे मांगिए उसके बाद शायद पिक्स मिले या खुद क्लिक कर लीजिए डमी पे लगा के तो आप आराम से इसकी पिक्स लीजिए और अच्छे से डालिए सेल होगी और अच्छे से होगी थोड़ा सा रुकना पड़ेगा क्योंकि न्यू कैटेगरी आप नए सेलर हैं इस कैटेगरी में शायद आपको ऑर्डर थोड़ा सा लेट आए लेकिन अगर ऑर्डर आना शुरू हो गए तो जो है आप जो है आराम से आपकी जो है एक नई कैटेगरी शुरू हो सकती है और आप आराम से ग्रो कर सकते हैं अपने बिजनेस को ठीक है और इसमें कहीं ना कहीं हाँ मैं एक दोनों कैटेगरी में से अगर आप मेरे से पूछिए कौन सी कैटेगरी ज़्यादा सही है तो मैं तो ये कहूँगा आप इनर वाली कैटेगरी पे जाएं सेकंड कैंडल्स की भी अच्छी है लेकिन कहीं कैंडल्स का के इतना नॉलेज नहीं होगा तो इनरवेयर वाली कैटेगरी पर जाएँ उस पर भी आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा और वो आप कर लीजिए कि दो कैटेगरी बाकी कॉल आपके कि आपने कौन से कैटेगरी में जाना है लेकिन अगर आप ज्वेलरी कैटेगरी में हैं तो आपको अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए इस टाइम पे एक या दो नई कैटेगरी में जंप करना ही पड़ेगा ज्वेलरी कैटेगरी के साथ साथ क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप एक ही जगह अटके रहेंगे और आपका बिजनेस जो है वहीं रहेगा कभी तो ऑर्डर आपको मान लीजिए बढ़ जाएंगे कभी कम हो जाएंगे लेकिन आप ग्रो नहीं कर पाएंगे अगर आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है तो आप जो है अपने नई कैटेगरी अपने साथ जोड़िए और उस पर काम करिए ठीक है और हाँ अब आप ये जैसे कैंडल्स का था कि आप कितना जो है लग इन्वेस्ट करके वो कर सकते हैं तो देखिए है, इसमें कम से कम आप जो है चार से पाँच हज़ार का जो है इन्वेस्ट करिए अपना सामान लेके आइए अपने प्रोडक्ट लेके आइए और उसको सेल करिए ठीक है इससे ज़्यादा अभी स्टार्टिंग में मत करना ठीक है इतना इन्वेस्ट करना एक होलसेल मार्केट से आप परचेस करेंगे तो आपको अच्छे उसमें मिल जाएगा लेकिन अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है परचेस करना क्योंकि जो ये इनर वेज होते हैं ये बॉडी के लिए होते हैं ऐसा ना हो कि आप कुछ ऐसा क्लॉथ लाएँ उठा के जो रिएक्शन करे बॉडी के साथ कुछ और करें लोकल प्रोडक्ट हो तो ऐसा ना करें एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट लें ताकि बायर जो है उसको परचेज़ करे तो वो रिटर्न ना करे रिटर्न ना करे एक अच्छी क्वालिटी का जो है प्रोडक्ट परचेस करिए कपड़ा तो सभी को पहचानने आते होगा कपड़ा कैसा है ठीक है तो अच्छी क्वालिटी के कपड़े वाली जो है इनर uh, वेयर जो है परचेस करें और उसकी जो है लिस्टिंग करें और अगर आपको लिस्टिंग में कोई इशू आता है तो मेरे को बताइए इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए मैं वो भी आपको सॉल्व करके दूंगा ठीक है और ये दो कैटेगरीज़ हैं बाकी कॉल आपकी कि आपने करना क्या है लेकिन मेरा मानना इस टाइम पे ये है कि जो ज्वेलरी कैटेगरी वाले हैं उनको थोड़ा सा जो है अब दूसरी कैटेगरी की तरफ जाना पड़ेगा क्योंकि पेंडेमिक के टाइम पे ऑर्डर्स बहुत कम हो गए हैं ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मार्केट बहुत डाउन चल रही हैं तो अपने काम को स्टेबल रखने के लिए हम हम जितने भी ज्वेलरी कैटेगरी वाले हैं हमें कुछ ना कुछ साथ के साथ इसके करना पड़ेगा अब ताकि हमारा जो है हर चीज़ सॉफ्टली चले ठीक है तो बातों पे जरूर ध्यान दीजिए जो मैंने कैटेगरी बताई एक बार उस पर जरूर ध्यान दीजिए ताकि आप ग्रो कर सकें आगे और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें शेयर करें कमेंट करें और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज करें डिस्क्रिप्शन में मैं आईडी का लिंक दे दूंगा और अपना ध्यान रखें और ऐसे ही चैनल को जो है प्यार देते रहें और चैनल को आगे से आगे शेयर करते रहें थैंक यू